गोलगप्पे दिखा के हमें बताया कि गोलगप्पे नहीं है ये तो। पता है जेडी मोटर होंगी ना, मोटर च एक तार पाई जाती है घंटी वाली, कि जब वो घंटी उस पे तार पे पानी लगेगा तो वो घंटी बज जाएगी। पर आप श्योर हो माइनस 26 जाते हैं यहाँ पे? नहीं, ये अंडर गारमेंट जिसके सस्ते लो। वो कहते नहीं, ये हाफ पैंट है। मम्मी करन दिखा भैया ये अंडर गारमेंट। भैया ये अंडर गारमेंट ही है ये। Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. हाँ जी मम्मी, उन लग रहे बाहर आयो। नहीं लगेगा। नहीं, अब थोड़ा सा अलग हो गया ना, पीछे पेड़ देखो भाई, इतना बड़ा गार्डन है होटल के आगे पूरा। आये है मुर्गा हुन बांग दे रहे है भाई, 12 बज गए ने, हुन शांत हो जा। न्यू डे अच्छा सी ना, कपड़े थोड़े जे एहो जी पा लेते ने, मैं भी पग नहीं बन्नी, पन्ना बन लिया। क्यों? क्योंकि आज सुबह सुबह मम्मी ने परेड लगा दी है, लॉन्ड्री वाले को फोन किया है। ये मम्मी परेशान चल रही थी, कपड़े खत्म हो गए हैं, कपड़े खत्म हो गए हैं, सबसे ज्यादा तेरे कच्चे खत्म हो गए हैं। बहुत सेव करके जाना पैंदा वे, तो लॉन्ड्री वाले को सारे कपड़े दे दिए मम्मी ने। खत्म तो नहीं हुए अजे, पे हुए ने, फिर भी थोड़ा बहुत दमन घूमने का। चलो ओ देखो सामने बीच है बिल्कुल, ऐ बड़ी सोनी है भाई। तो बहुत सोनी ये रात को भाई, ऐसे चमकती है और यहाँ पे साथ में होटलों की लाइट जलती है, बिल्कुल फीलिंग आ जाती है बाहर की। बट सुबह भी बड़ी अच्छी लग रही है। कितने भी शादी ते आए हैं, पूरे होटल है जी डेकोरेट किते हुए ने लाइटा नाल, बहुत ज्यादा। ये देवी का बीच है जो हमारे राइट साइड में है, और एक और बीच है और एक और फोर्ट है वो दूसरी साइड है, वो हमें पुल क्रॉस करके जाना पड़ेगा। एक बार इस बीच चलते हैं, फिर उस साइड देखते हैं कि क्या फर्क है। भाई ये कैसा बीच है, हम तो सोच के आते बढ़िया होगा यहाँ से, तो ये वाला तो इतना बढ़िया नहीं है। ये तो पानी पुनी है ही नहीं है, ते रेत ही रेत है। ताई ते कैमल आ गए ने। हाँ, तो दूर तक का पानी है, आधा सारा वो सूखे हुए हैं। मेरे ख्याल जो दूसरा बीच है ना, वहाँ पे ऐसे है पानी आगे तक। सारा सिस्टम पता नहीं ना पूरा, कदम अल्लाह को पूछो। बस यहाँ पे वॉक का बनाया हुआ है। हेलो भैया, ऐसे रहते पानी वही रहते, आगे नहीं आता। अभी आएगा यहाँ तक आ जाता है? कहाँ तक आता है? अच्छा वो भर्ती कर देगी नीचे पानी, वो मिट्टी की। भाई मम्मी के गोलगप्पे मिल रहे हैं, मम्मी तो नहीं पापा के हैं, पर चार दिन से मम्मी भी कह रही है गोलगप्पे खाने हैं। ट्राई कर लेते हैं। भैया खिला दो यार, पहले पानी पिला दो। पानी पानी ऐसे अच्छा सूखे हैं आपके? नहीं सर नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे पानी वाले नहीं होते। अच्छा होते होंगे बेटा, गोलगप्पे आपको बाहर मिलेंगे। अच्छा तो इसको क्या कहते भैया? इसको सेब पूरी कहते हैं इसको। ये नीचे ना सारी भर्ती कर देंगे, अच्छा मतलब मिट्टी भर देंगे, तो वो उसका लेवल ऊपर हो जाएगा, लेवल ऊपर हो जाएगा तो वो आगे तक आ जाएगा। वो ये कह रहा था कि भर्ती हो रही है ना ये मिट्टी की सारी, तभी ना दमन सुंदर तो है, मतलब गोवा वाली वाइब नहीं है, तभी लोग कम आते हैं यहाँ पे बैठ के ना। मेरे को दिल चाहता है वाली फीलिंग आ गई, दिल चाहता है हम ना रहे कभी यारों के। बस बढ़िया आते रही है ना, अब मजे तो लें जिंदगी के, कुछ तो आ रहा है। अभी हम सुबह सुबह आए ना, तो अभी हमारा एकदम मूड खराब हो गया रात, क्योंकि हमने बीच नहीं देखा था। रात को हमारा मूड बड़ा अच्छा हो गया था कि यार इतना सुंदर है, बट अभी ऐसे बीच देख के ना, ये बीच वाली मिट्टी नहीं है भाई। आंटी बता रही है कल को पानी यहाँ तक था बॉर्डर तक, आज नहीं है यहाँ तक। ये सारे होटल्स है
तो ये सी व्यू वाले होटल से अगर आपको लेने हो तो आप ये भी ले सकते हो यहाँ पे आने के लिए। अगर आपको थोड़े सस्ते चाहिए तो इसके पीछे वाली गली में या थोड़े से आगे चले जाओ मार्केट में, उधर भी सस्ते मिल जाएंगे। गोलगप्पे दिखा के हमें बताया कि गोलगप्पे नहीं है ये तो सेवपुरी है। अभी देखिए बिना पानी के गोलगप्पे कौन से आने लग गए भाई, असि भी हैरान हो गए। सही गल कर रहे इधर लोग ना अपने रिलैक्स कर लांदे, कोई इतना भी नहीं हैगा। हाँ। कि मारे अपने अपने रिलैक्स कर लांदे ना, फ्री हो के अपना थोड़ा मतलब यहाँ पे शांति है। तो एक चीज बताता हूँ आपको, यहाँ पे क्या फर्क है, गोवा बहुत ज्यादा वो है जो आप बागा बीच की तरफ चले जाओ तो, बट इधर शांति है। जो जिसने वो पार्टी शार्टी नहीं करनी ना, सिर्फ बीच एंजॉय करना है या नॉर्मल, तो वो इधर आ जाते हैं। भाई अब हम चल पड़े हैं जैमपोर बीच की तरफ, थोड़ा सा ज्यादा वहाँ पे एक्टिविटीज है, पैराशूट है, बोट है, तो यहाँ से 10 किलोमीटर है, 20 मिनट का रास्ता है, बार बार से चले जाएंगे। और उसके साथ एक फोर्ट है जो पोर्तुगीज वाला फोर्ट, बताते हैं कि जब पोर्तुगीज आए थे तो उन्होंने फोर्ट बनाया था, तो एक बार वहां चलते हैं फोर्ट फूट देखते हैं, क्योंकि हमने फोर्ट देखे सिटी पैलेस देखा, इनका फोर्ट कैसा होता है वो हमें पता नहीं है। गोवा में है फोर्ट जो वहाँ पे है मेरे ख्याल सिक्योरम बीच के पास, खा लेंगे जो भी। हाँ वहाँ पे मेरे ख्याल खाने खुने का होगा छोटा मोटा ना। हाँ भाई खा लेंगे भाई, देख लेते हैं। आज तो चिकन खा सकते हैं, आज चिकन खाएंगे भाई, आज एनर्जी लाएंगे, बहुत हो गया। दाल रोटी खवा देती है, ऐस करके मैं ट्रिप ते हैं दाल रोटी खान वास्ते, इस तो बढ़िया मैं कार सीगा घट्टो घट चिकन ते मिलदा सीगा दो टाइम दा, ऐसे आगे हो लाले पै गए दाल रोटी खावांगे भाई। हुण तो कोई बजटेड ट्रिप नहीं है, नथिंग एल्स, जितने उड़ेंगे पैसे उड़ेंगे। रात को पता दिमाग खराब रहता है, दाल रोटी खा के सोनी पड़ती है, तो कोई नहीं खा लियो बेटा, कैनेडा की याद रहती है मेरे को, मेहनत करता मैं पूरे खा लियो। मैं वही सोचता हूँ भाई, कनाडा में भी दाल रोटी मिलती थी रात को, ऐसे यहाँ पे भी होता है, चिकन खाना पड़ता था, अब यहाँ पे भी चिकन नहीं खा रहे, चिकन खाने के लिए घर ही बैठना पड़ेगा। ऐसा तो चंगा कार सी घट्टो घट रोटी था मिलती सी। तो थोड़ी सी आगे आ गए, यहाँ पे मेरे को पानी चढ़ा हुआ लग रहा है, उधर स्टार्टिंग में पानी चढ़ा हुआ नहीं था, इत देखने एक बार कितना चढ़िया हुआ है, कितना लेवल है इतने, उस मोहल्ले वालों ने चलाई नहीं। ये बीच बहुत लंबा है, कई जगह थोड़ा सा खाली है, कई जगह लोग इतने है नहीं, वो स्टार्टिंग का पार्ट था। अब जैसे आगे चलते जाएंगे मेरे ख्याल वसु हो जाए। क्या बात है, उड़दा दुपट्टा मेरा पिंक पिंक दा। मम्मी गल पता की है, पता है जेडी मोटर होंगी ना, मोटर च एक तार पाई जाती है घंटी वाली, कि जब वो घंटी उस पे तार पे पानी लगेगा तो वो घंटी बज जाएगी। इन्होंने तार रखी हुई है सही सिस्टम पे ऊपर ऊपर, तो इनका पानी है ऊपर, उन्हें तार सी की थले गलती नाल, तो उन्हें घंटी बज गई जल्दी, हाँ मोटर उन्होंने जल्दी जल्दी पार गई, ता करके पानी कट है उथे, एथे फुल है, अगे और फुल हो जाएगा। चलो शुक्र है तेनु नॉलेज ते हैगा ना। हां देखो नॉलेज पूरा है मेरे को, ऐसी कहते घर का काम नहीं करता, घर का काम नहीं करता, और मेरे को एक एक चीज पता है। भाई हमने गाड़ी अपनी वहाँ खड़ी कर दी है। भाई यहाँ पे देखो ये पूरा बना हुआ है, यहाँ पे लोग हैवी सी, उधर भी खाने का है, इधर भी खाने का है। आय हाय मम्मी ने भी ना वाइब सीख लिया बिग बॉस की मनारा से, वाइब अच्छी आ रही है ना, बहुत अच्छी वाइब आ रही है ना, जो सही गल है, हवा का भी फर्क आ गया है, जो सच्चाई है। भाई यहाँ पे भी ना, यहाँ पे मतलब एक्टिविटीज वाली बोट नहीं है, नॉर्मल वाली बोट है जो मछुआरों की होती है, एक्टिविटीज वाली बोट दूसरे उस पे ही है जैमपोर बीच पे, बट ये थोड़ा सा यहाँ पे लोग हैं। इट्स जस्ट अ बिगनिंग, असि गए हैं ना देवी मंदिर, गए हैं उठे, गए हैं कितने बाला मामा की दुकान, कितने मैरिड टाइम ते असि कितने नहीं गए, हां रिश्तेदार वाल ब्याह होता से उठे जाते होंदे थे, बस चाय पापा यो ते लगे जाते थे, वो भी पांच बच्चे से बारी बनाते थे। आपकी बारी कब आती थी, आप ही तो कम ही आते होगे, आप तो सबसे छोटे हो। मैं क्यों नहीं बारी आंदी सी, ऐसी गल थोड़ा वे, जो बारी हो चाहे वड्डा हो चाहे छोटा हो, बारी देखो जी इक्वली आंदी सी। अच्छा सगो छोटिया नु मां पियो नाल जल्दी लेके जांदा। हां ए रोएगा कलेश पाएगा, एनु ले चलो वड्डा तो फिर भी संभल जाएगा। घुमांदे नहीं थे, दशहरा होया दशहरे ते लेके घुमाना,
दिवाली हुई, दिवाली से पटाखे बजा लेते, ये काम होते थे पहले टाइम पे। पीछे ना पुलिस वाले खड़े थे, देख रहे थे हमारी गाड़ी, देख रहे थे वो। मैं भी नोट कितना वे। वो देख रहे थे ये गाड़ी यहाँ पे कैसे आई है, डीएल नंबर दिल्ली। यहाँ पे बिना जगह जगह वाइन शॉप है, गेरी एक गेरी, अभी यहाँ पे थोड़ी सी आगे चलती मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे दारू बड़ी सस्ती है ना, जैसे गोवा में बड़ी सस्ती है, यहाँ पे भी सस्ती है। इतने भी प्राइवेट मतलब दुकाना होंगे ना, जिवे साडे दिल्ली होंगे सरकारी दुकाना होंगे, ऐ नहीं पता मेनू। बट ये देखो दो पीछे की है, एक और इधर आ गई है। पानी जैसा रेट है मम्मी, मैं तो कह रहा हूँ आप ऐसी पैसे पानी में खर्च कर रहे हो यहाँ पे। अच्छा दो दो कोट लगाओ फिर देखो ब्लॉग कि बन गए, ललकारे मारोगे तुसी। हाँ भी सुरेंद्रा की हाल चाल ने दिल्ली दे, अभी कैसे करोगे फिर पापा को फोन? फिर तो सला पंजे सारे दबा लांगे चंगे तरह। तू आ जा थल्ले यार, तेनु मैं दसा परेशान कीता है सला पंजी ने। ये जगह खड़ी है यहाँ पे पुलिस, थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस के बाद एक देखो वहां खड़ी थी, एक वहां पे फिर से खड़े हैं। अब हम ये ब्रिज क्रॉस करेंगे राइट वाला, और हम दूसरी साइड पहुंच जाएंगे, मोटी दमन पहुंच जाएंगे। मोटी मोटी नाम है हाँ, मोती कह लो मोटी कह लो, मोटी आई है। ये देखो अब ये ब्रिज क्रॉस करके ना हम जैमपुर बीच और फोर्ट की तरफ पहुंच जाएंगे। ये ब्रिज दोनों को जोड़ देता है। अच्छा। तो जैसे वो गोवा में ना पेंजिम में एक वो है फ्लाई ओवर, जहाँ पे गाड़ियां जानी अलाउड नहीं, वो गाड़ियां जानी अलाउड है, बाइक वगैरह जानी अलाउड नहीं है। तो उसकी राइट साइड में ओल्ड गोवा है और एक साइड में न्यू गोवा है। एक चीज और देखो, पॉपुलेशन कितनी कम है, खुला डुल्ला है, एक सड़क पे देखो रश ही नहीं है भाई, चार स्कूटियां दिख रही होंगी आपको मुश्किल से। पेंजर, जो जो समझ गया ना पेंजर, वो कमेंट करना पेंजर का मतलब क्या होता है। मैं बताऊं पेंजर का मतलब क्या होता है। GTA Vice City चल रही है मेरे दिमाग में। पेंजर लिखते थे तो ये आ जाता था टैंक, PANZER। ये देखो ये फोर्ट है। सामने प्रधान साहब बैठे ने कचहरे च, वो होंगे ने ना चुराहे दे अंकल बैठे होंगे ने बुजुर्ग, जेड़ा रास्ता दसते ने वो ने है। गुरुद्वारा यहाँ पे नहीं है, वापी है, यहाँ से ही पास में है प्लेस, उधर है वापी। मेरे ख्याल किधर पड़ता है, वलसाड़ है, दमन आने से पहले उसी साइड मेरे ख्याल वापी है, उसी साइड गुरुद्वारा है। वहाँ पे ना सारी एक्टिविटीज है, लेकिन ज्यादा एक्टिविटीज नहीं है जैसे गोवा में होती है, थोड़ी बहुत ही है और इतना रश भी नहीं है। पैराशूट है, थोड़ा बहुत बोट्स का है, नथिंग एल्स। ये छल्ली बना रही है आंटी छोटा सा तंदूर लगा के। मैंगो ये रसीले हैं, मैंगो क्या नाम है, अच्छा है। तो इसमें आप किस में खाते हो? ये नमक मिर्ची डाल के बनाते हैं। ठंड पड़ती है आंटी यहाँ पे? हाँ, पड़ती है। कितनी पड़ जाती है? ज्यादा है, ज्यादा है आज। ओ भाई साहब, हमें तो यहाँ पे लगी नहीं ठंड, हमें तो ऐसा लग रहा है गर्मी है। आंटी बता रही है यहाँ पे ठंड ज्यादा है, इससे भी ज्यादा होती है। कितना डिग्री चला जाता होगा? -26 नहीं, -26 कहाँ जाता होगा आंटी? चला जाता है, अभी अभी संक्रांत का महीना है ना, तब चला जाएगा। स्नोफॉल भी होती है? स्नोफॉल होती है इधर? एक बार हुआ था, मतलब गए साल को हुआ था। यार ये तो मेरे को यकीन नहीं हो रहा, नवंबर में बारिश होती है ना, तब से हो रहा है ऐसा ठंडी। -26 हाँ जी। यहाँ पे लैंग्वेज कौन सी बोलते हैं? गुजराती बोलते हैं यहाँ पे। पर आप श्योर हो -26 जाते हैं यहाँ पे? आपने भी देखा ना गूगल पे पढ़ा ना, अभी तक ठंडी स्टार्ट हुई है। पर -26 तो उधर ऊपर तक नहीं जाता भाई। छल्ली हमने खा ली है, छल्ली स्वाद थी, 40 रुपए की एक छल्ली सी की। और दूसरी चीज मेरे को नहीं लगता, बहुत स्ट्रेंज गाल है। हाँ मेरे को नहीं लगता, मेरे को लगता है आंटी ने 26 कहना होगा, 26 डिग्री, -26 नहीं जाता होगा, इतनी ठंड नहीं पड़ती यार यहाँ पे। इतनी ठंड थोड़ी पड़ती है, -26 बहुत हो जाता है। तो इतनी ठंड पड़ती है ना, आंटी ने हमें कंफ्यूज कर दिया। आंटी कहती है तो -20 तक चला जाता है, कहती है तो स्नोफॉल हो जाती है। हम हैरान हो गए, यहाँ पे ठंड पड़ती है इतनी, बस इतनी पड़ती है।
ये हल्का आप लोगों के लिए ठंड है, हमें तो गर्मी लग रही है। गल पता की है मम्मी सारी ऐसे शराब हैगी सस्ती लोग सवेरे सवेरे पी के रख देने ताई आंटी ने कहता माइनस 26 जाना है भाई। ये सारी जयपुर बीच के पास की मार्केट है, जैसे गोवा में होती है ना छोटी छोटी दुकानें ऐसे कपड़ों की, वैसी मार्केट है। ये बियर बार आ गया और कुछ है नहीं इधर ज्यादा चीज। और मम्मी 2011 में सेंसस हुई थी जनगणना, यहाँ की पॉपुलेशन और दमन एंड दीव की पूरी मिला के 250,000 कुछ है सारी, जिसमें 1.5 लाख मर्द हैं और बाकी 92,000 कुछ जनानी है। ज्यादा पॉपुलेशन ही नहीं है यहाँ की भाई। जो यहाँ के बीचेस का सिस्टम है ना बस इतना ही है, वो 2-3 बोटे खड़ी हैं बनाना बोट्स और वो जो नॉर्मल वाली है एक घोड़े खड़े हैं ये रेत पे भगाने के लिए, जेट्स की कहते हैं इसको जो सफारी में चलाते हैं वो खड़े हैं, ऊंट वगैरह हैं और नॉर्मल लोगों ने यहाँ अपनी चादरें बिछा के टेंट वेंट लगाए हुए हैं। ये अम्ब्रेला तो पहले लगे थे, चादरें बिछी हुई हैं, ज्यादा बड़ा नहीं है गोवा जैसा ना। भाई इधर भी ना गोवा वाला हिसाब है, लोग सुबह सो रहे होते हैं और रात को यहाँ पे रश हो जाता है क्योंकि सुबह गर्मी बहुत होती है। तो अब यहाँ पे जयपुर बीच के पास ना रश बढ़ गया है, पहले थोड़े बहुत ही बंदे थे पर अब थोड़े से हो गए हैं ज्यादा। 4 बजे तक करवा दो भाई, लॉन्ड्री वाले से बात हो गई है तो 4 बजे तक हमारे कपड़े आ जाएंगे। तो टाइम हुआ है अभी 2 बजे हैं, तो 2 घंटे हमारे पास, कुछ खा भी लेते हैं अब और फोर्ट अगर देखना है तो फोर्ट देख लेते हैं, फिर फ्री होके आगे की तरफ निकल जाएंगे। भाई ये जो सारी बोट खड़ी है ना ये मम्मी सारे मछुआरे हैं, ये सुबह सुबह जाते हैं आगे फिर ये पकड़ के लाते हैं शाम तक। पता नहीं इसमें कौन सी वाली होती होगी, हम तो जो अपने वहाँ फार्म पे ग्रो करते हैं वो करते रहू कातला ऐसी कुछ नाम है और श्रिम, अभी तो श्रिम करते हैं अभी तो श्रिम हम ग्रो करते हैं अपने फार्म पे, बट ये पता नहीं आगे जाके ना सुबह सुबह जाते हैं 6 बजे जब सूरज निकल आता है फिर आगे से पकड़ के लेकर आते हैं ये। भाई ये फोर्ट का गेट आ गया, अब यहाँ से अंदर चलते हैं फोर्ट एरिया में और लाइट हाउस वगैरह देखते हैं। भाई ये सामने लाइट हाउस है और ये बाग बगीचा ही है, ये फोर्ट नहीं है। यहाँ पे हम किसी से भी पूछ रहे हैं ना वो कह रहा है फोर्ट यही है, मतलब फोर्ट एरिया है, जैसे अगर आप गोवा गए होगे वहाँ पे सिक्योरम बीच पे फोर्ट है पोर्टुगीज से तो वहाँ आपको पता चलता है, यहाँ पे फोर्ट पता ही नहीं चल रहा कहाँ पे। हम जिससे ही पूछ रहे हैं वो यही कह रहा है यही फोर्ट है, दीवारें बनी हुई है वो उसके अंदर है, ये अंदर है। हाँ ये अंदर आप आ चुके हैं अंदर। अच्छा तो यही है सब कुछ किले के अंदर है, अब घूमना है इधर से लेफ्ट मार के ऊपर पूरा घूम सकते हैं। अच्छा वो जो बस दीवारों के ऊपर घूम सकते हैं। तो अगर आप अपनी लिस्ट में दमन बना रहे हो तो आप ये कर सकते हो, बस थोड़ा सा देख के ना आप आगे की तरफ चल सकते हो। हमारा सिर्फ ये था कि हमने कपड़े दिए हुए हैं तो हम अभी तक वेट कर रहे हैं, नहीं तो हमने आगे की तरफ निकल जाना था। तो अगर ओवरऑल मैं आपको दमन का रिव्यू दूं ना तो कुछ ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होगा, एक्साइटिंग कुछ नहीं है। इफ यू वांट टू फाइंड पीस तो पीस फाइंड करने के लिए एक्साइटमेंट नहीं है। मैं तो चीज समझ रही थी बट कोई दस नहीं रहा से, कोई ये कह रहे से इधर है उधर, उस लास्ट वाले बंदे ने सही आख्या वे आप किले के अंदर ही हो। हाँ। बस यही चीज है जो ये देखो ये से वॉल्स हैं तो हमें लगता है अंदर किला होगा पूरा, बट किला नहीं है, कॉलोनी कह सकते हो आप, अंदर घर ही बने हो। कॉलोनी है अंदर। हाँ। भाई ये बस अड्डा है यहाँ का, यहाँ की मम्मी बसे देखो कैसी पुरानी बसे है सारी ना। मम्मी पता क्या कहती कि ना हम उसका क्या वेट करेंगे 1-2 घंटे। हाँ। लॉन्ड्री वाले का जाके उसके सिर पे ही खड़े हो जाते हैं। सही बात है। तो मम्मी ने उसे बोला कि तो अपने दुकान का एड्रेस दे। हाँ। तो भाई ने अपनी दुकान का एड्रेस दिया है, मम्मी जाके उन सिर पे खुलेगी, क्यों? फॉर 2 reasons। पहला कि कई बार क्या होता है ये सारे कपड़े धोते नहीं है और प्रेस नहीं करते, तो मम्मी एक बार उसकी दुकान पे पहुंच के देखेगी और फिर वहीं से पैक करके वहीं पे पूरे काउंट कर लेंगे, पता चले वो हमारे पास आए फिर हम काउंट करें फिर कुछ रह जाए फिर वो वापसी जाए, तो इससे बढ़िया उसकी शॉप पे ही चले जाएंगे काउंट करके फिर आगे की तरफ निकल जाएंगे। कुछ खाना भी अभी यार कुछ खाया नहीं है, ये देखो हम गाँव की तरफ जा रहे हैं, काइंड ऑफ गाँव मतलब दलवाड़ा बुलाया उसने तो थोड़ी सी अंदर करके आया, ये अंदर अंदर से जाके गलियों से जाके पहुंचेंगे, ऐसा लग रहा है सोना पहुंच गया सोना। चश्मा नहीं पाया, ट्रिप पे निकले इतनी धूप है चश्मा पाऊंगा आज मैं, ये वाला नहीं मोटे वाला
मोटे वाला चश्मा पाके थोड़ी टोर टोर तो निकाल लू मैं, बड़े टाइम हो गए चश्मे ले रखे इतने महंगे महंगे, पाते है नहीं हम, रोज उसकी दुकान पे घुसे होते भैया कोई चश्मा आया ना, आह हा हा, स्पेशली साफ कराया था घर से निकलने से पहले। क्या बात है, अलग ही टोर आ गया जट दिया टोरा ने, जट घूमदा गली दे विच मां दे नाल, गली है मां दे नाल ही घूम रहे हैं। मम्मी ने मेरे दिल की बात छीन ली, मेरा दिमाग में यही चल रहा था कि ना अभी उसकी दुकान पे जाके कलेश भी हो सकता है, क्यों? क्योंकि देखो वो अपनी दुकान, उसकी अपनी दुकान है, वो कैसे करता हो है ना, अलग ही हिसाब होता है, मम्मी का अलग हिसाब है, मम्मी की अलग वहम है, मम्मी को एक एक चीज बिल्कुल साफ सुथरी चाहिए भाई, बिल्कुल साफ सुथरी। मम्मी को वही कहती कि मैं जा तो रही हूं, पता चले मैं वहां जाके उससे लड़ ही ना पड़ू, बिना लड़ते तो बिना देख के मतलब चीज घर आ जाए तो अलग ही हिसाब होता है। हाँ देख के लिए हमारे अलग ही साफ, ऐ देखो मम्मी ऐवे सुक दे ने कपड़े। हाँ। आ गई दुकान ओदी। हाँ। दलवाड़ा च ए सुक रहे ने भाई कपड़े। अब भाई है कहा, ये होगा मेरे ख्याल। हाँ। शिव ज्योति लॉन्ड्री। हाँ यही बट साडे इत्थे सुके नजर नहीं आ रहे, मैनूं लगदा उतार के लै गया हुंदा प्रेस करन वास्ते, उतरना तो सी चलो। हाँ। छोटे छोटे घर बने हुए है और इधर भैया का पूरा लॉन्ड्री है। क्या बात है भैया, बढ़िया बना रखा है आपने। थैंक यू भाई, अगर कोई दमन आए तो शिव ज्योति लॉन्ड्री से अपनी लॉन्ड्री करवा सकता है कपड़े, अब भैया हमें डिस्काउंट दे देंगे। एक बार आओ मम्मी, एक बार उधर देख ले, देख ले एक बार, ये मशीन है भैया, ओ ये बड़ी सी मशीन, और ये क्या चीज है, पानी सोखता है ये, ड्रायर नहीं होंगे है। क्या बात है भाई, मशीन देखो आप, भाई साहब को बोल रही हूँ मेरे को आपका काम पसंद आया, बहुत अच्छा लगा। मेरी मम्मी ना बड़ी पर्टिकुलर है हर चीज को लेके, तो उनको था कि बढ़िया कपड़े धुल जाएं, ऐसा ना हो कि अच्छे ना आए, तो वो खुश हो गया मम्मी, हम यही बात करते आ रहे थे रस्ते में। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सुबह की ना आपको कहानी बताता हूँ भैया, ना हमारे कमरे में है लॉन्ड्री लेने, तो हम बॉक्सर्स भी डालते हैं हम, तो मम्मी नहीं भैया ये हमारे अंडरगारमेंट्स हैं बच्चों के, ये भैया कहते नहीं हाफ पैंट्स हैं, हाफ पैंट्स 40 रुपए लोगे। हाँ मम्मी कहती इसके भी 40 रुपए लोगे, मम्मी कहती नहीं ये अंडरगारमेंट्स इसके सस्ते लो। वो कहते नहीं ये हाफ पैंट है, मम्मी करन दिखा भैया नु ये अंडरगारमेंट, हमें भाई लेट है वो चादर में, भैया ये अंडरगारमेंट है ये, लेटा इतनी हंसी आ रही है, मैं क्या कहूँ यार, चलो चले हम लवाना हो अगले डेस्टिनेशन के लिए।